MIUI 12 का Xiaomi EU का फर्स्ट अपडेट आ गया है पोको डिवाइस के लिए, जिसे फिलहाल मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता है वो है ऑलवेज ऑन स्क्रीन का सपोर्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको यहाँ पे नया देखने को मिल जाता है और क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं इस रोम का। तो वीडियो को फुल एंड तक वॉच करते रहे और वीडियो पसंद आती है तो एक थम्सअप देना बिल्कुल ही ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम एम के एंड यू आर वॉचिंग टेक ऑफिस। और आज मैं इस वीडियो में आपको Xiaomi EU के फर्स्ट पोर्ट रोम के बारे में डिटेल देने वाला हूँ। और ये एक HN पोर्ट है, यानी HN के थ्रू पोर्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, जो कि किसी भी रोम को यूज करना या फिर रिजेक्ट करने का मेन कारण होता है। पहला आपको जो देखने को मिलता है यहाँ पे प्ले स्टोर, जो कि फुल्ली वर्केबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमारा L1 का सपोर्ट। बट अभी फिलहाल जो COVID-19 की वजह से 480p ही आपको ऑनलाइन कंटेंट देखने को मिलता है, बट ये रूम आपको जो L1 का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा वीडियोज वगैरह वॉच करने में। उसके बाद ये पहले से आपको प्री रूटेड मिलता है, बट आपका नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास रहता है और साथ साथ आपका प्ले स्टोर भी बिल्कुल ही सर्टिफाइड रहता है, तो इनमें कोई भी इशूज नहीं आता है। अगर आपका जो कोई भी एरर देखने को मिलता है नेट सेफ्टी से रिगार्डिंग, तो बस आपको सेटिंग में आके इस ऑप्शन को जो ऑन कर देना है, जो कि पहले से ऑफ रहेगा मे बी, तो आप इसे ऑन कर दोगे आपका नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि हर यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं अबाउट के सेशन पे, जहां पर आपको देखने को मिलता है MIUI 12 20.4.13 जो कि बीटा बिल्ड है EU का। वहीं पे आपको ये स्टोरेज जो कि पहले से मोर एक्टिव दिखाई देता है, यानी फ्लक्चुएट कुछ ज्यादा ही होता है जो वाटर फ्लो है। वहीं पे ऑल एस्पेक्ट्स में आपको देखने को मिल जाता है सारे कंप्लीट डिटेल हमारे फोन के और लेटेस्ट सिक्योरिटी पर जो कि 2024.1 का है। वीडियो को फुल एंड तक वॉच करते रहें क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई सारे फाइलों की जरूरत पड़ेगी आपको। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन जो चेंज है सिर्फ हम उसी के ऊपर नजर डालेंगे। तो सबसे पहला चेंज आपको दिखाई देता है वो है ऑलवेज ऑन स्क्रीन का सपोर्ट, जहाँ पे काफी कमाल के क्लॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आप खुद के मैनुअली फोटोज भी है जो सेट कर सकते हो और बाकी अदर है जो आपने थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे जो EOD स्क्रीन है जो प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, इनमें कोई भी इशूज नहीं आएगा। आप देख सकते हो कई सारी चीजें मैंने डाउनलोड कर रखी है और कई सारे आपको डिफरेंट चीजें जो देखने को मिल जाता है। बट इसकी एक छोटी सी कमी ये आपको दिखाई देता है कि आपको ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग यानी स्टेबल नहीं दिखाई देता है। अगर आप ऑलवेज ऑन का यूज करते भी हो तो ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आता है ऑलवेज ऑन का, तो कुछ टाइम बाद ये ऑटो स्टेबल हो जाता है, लेकिन स्टार्टअप में आपको जो ये ब्लिंक और डेड ही दिखाई देगा। तो हमारा ऑलवेज ऑन प्रॉपर काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो चार्जिंग एनिमेशन जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट MIUI 12 का है जो प्रोवाइड किया गया है, तो आपको नया चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, जो कि प्रॉपर तरीके से जो यहाँ पे काम करता है। वहीं पर अगर हम इसे अनलॉक करके आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है चेंज, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसका टाइमिंग कितने देर तक ये शो होना चाहिए, कितने देर तक नहीं, बैटरी अगर सेविंग में हो तो ऑफ होना चाहिए या फिर नहीं, वो चीज़ आप यहाँ पे जो सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप ऑलवेज रखना चाहते हो तो ऑलवेज यहाँ पे रख सकते हो। एनिमेशन ये प्रॉपर तरीके से काम करता है, तो इनमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, बस आपको प्रॉब्लम आती है ऑलवेज ऑन के स्टेबल ना होने की वजह से, तो आपको जो दिक्कत फील होगा। वहीं पर आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है नीचे की ओर, वो है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर आपको दिया गया है नॉच एंड बिहेवियर, जहाँ पे सारे कॉमन EU के ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यूज कंट्रोल सेंटर एक नया ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने जो कंट्रोल सेंटर को MIUI 11 के जो QS पैनल में चेंज कर सकते हो। तो ये भी एक नया चेंज आपको दिखाई देता है, जो कि आप अपने मर्जी के अनुसार इसमें जो बदलाव ला सकते हो। साथ ही साथ पहले वाले जितने भी अपडेट आए थे सब में हमारा डेटा काउंटर का बग था, तो ये जो फिक्स हो गया इस EU के अंदर, तो जितना भी आप डेटा यूज करोगे वो यहाँ पे जो शो करेगा। यहाँ पे आपका टूटे का जो स्टेप काउंटर है वो भी आप यहाँ पे एक्टिव कर देते हो तो शो होने लग जाएगा कुछ इस तरीके से। वहीं पर आपका जो परमिशन यानी स्क्रीन ऑन टाइमिंग जो कि फोकस मोड है, वो भी आपको यहाँ पे शॉर्टकट में देखने को मिल जाता है, जो कि पहले हमें दिखाई नहीं देता था, तो ये जो यहाँ पे जो ऐड कर दिया गया है। तो आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे यूज करना चाहते हो उसका आप यहाँ पे जो इजीली यूज कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। वाईफाई हॉटस्पॉट ये प्रॉपर तरीके से काम करता है, ब्लूटूथ वगैरह इनमें कोई भी इशूज देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे सारे फंक्शन है जो प्रॉपर तरीके से वर्किंग आपको दिखाई दे देते हैं। वहीं पे बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है नीचे की ऑलवेज ऑन का ऑप्शन और बाकी अदर चीजें। साउंड के प्रोफाइल में आपको जो देखने को मिल जाता है वीडियो प्रोफाइल फॉर इनकमिंग कॉल, तो यहाँ पे आप कोई भी फोटोज वगैरह डाउनलोड करते हो, वीडियोज क्लिप वगैरह, तो आप अपने वीडियो क्लिप के लिए यूज कर सकते हो, यानी इनकमिंग कॉल के लिए, तो आपको वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। वहीं पे आपको देखने को मिलता है साउंड मोड, जो कि पहले जो बगी था तो ये फिक्स कर दिया गया है, तो प्रॉपर तरीके से काम करता है, तो इनमें कोई भी इशूज नहीं आता है। होम स्क्रीन जैसा UI हमें प्रोवाइड करता है EU का रोम, सेम वही देखने को मिलता है, बस UI में चेंज हो गया है जो कि
मेवा 12 की ओर से हमें देखने को मिल जाता है। और फ्लोटिंग विंडो भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने चाइना के रोम्स के रिव्यू के अंदर बताया था। तो जो भी आप यूज करना चाहते हो बस उसको जो ओपन कर देना है और उसका जो फ्लोटिंग विंडो आपका है जो सामने ऑन स्क्रीन आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी अनटूटू का रन किया है, वहीं पे अनटूटू का जो स्कोर मुझे मिला है ना वो भाई काफी कमाल का है। आप देख सकते हो 369.578 का है, जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी हद तक जो बूस्ट हो गई है जो कि मुझे भाई सही दिखा है। और आप जो डेली लाइफ में यूज करते हो तो आपको काफी अच्छा जो डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाता है। वहीं पे बैक की ओर चलते हैं थीम की ओर, तो वही सारे थीम्स देखने को मिलते हैं जो कि हर बार आपको देखने को मिलता है 12 के अंदर। और यहाँ पे आपका फेस अनलॉक वगैरह आपको प्रॉपर वर्किंग देखने को मिल जाता है। बैटरी के अंदर वही अल्ट्रा बैटरी सेविंग और यहाँ पे लुक वगैरह चेंज देखने को मिलता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दिया था चाइना के ईयू के पोर्ट रूम के अंदर, तो सेम वही चीज है। लॉक स्क्रीन में भी नो चेंज दिखाई देता है। एडिशनल के अंदर फुल स्क्रीन डिस्प्ले पे आपको जो फुल स्क्रीन का बेनिफिट मिलता है और एंड्रॉइड 10 का नेप बार भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप यूज कर सकते हो, इनमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और बैक की ओर आप यूज करोगे तो आपको नया एनिमेशन जो कि MIUI 12 का है वो भी आपको नजर आता है। और यहाँ पे क्विक बॉल में नया एनिमेशन दिया गया है जो कि MIUI 12 के ऊपर है, तो यहाँ पे भी आपको ऑन ऑफ करने का नया एनिमेशन का लुक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल ही सही है। वहीं पर स्पेशल फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे जो सेकंड स्पेस का लुक चेंज मिलता है जो कि अच्छा है। फ्लोटिंग विंडो किस तरीके से काम करेगा उसे कुछ सजेशन मिल जाते हैं। वीडियो टूल बॉक्स और गेमिंग टर्बो भी दिखाई देता है। कैमरा आपको फुल्ली फिक्स्ड मिलता है, चाहे आप पोर्ट्रेट पिक्चर क्लिक कर लो या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर लो 4K 60fps तक का, तो इनमें कोई भी इशू दिखाई नहीं देगा। तो कैमरा आपका प्रॉपर वर्किंग है और साथ साथ आप GCam भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक नया एनिमेशन दिखाई दिया है वो है गैलरी के अंदर। जब आप गैलरी को ओपन एंड क्लोज करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो सन है वो कुछ इस तरीके से मूव होता हुआ नजर आता है जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आपको म्यूजिक प्लेयर के अंदर वही यूट्यूब को बैकग्राउंड में रन करने का फीचर देखने को मिल जाता है। और सिक्योरिटी ऐप बिल्कुल ही चेंज तो हो ही गए, जिसके सारी चीजें मैंने आपको जो पहले भी शो किए हैं तो वही चीजें आपको अभी भी दिखाई देता है। वहीं पर हम कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा वो चेंजिंग जो कि आपको MIUI 11 वाला लुक से दिखाई देता है, बट इसके UI में हल्का सा चेंज किया गया जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो नजर आता है। और जब भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन का लेआउट खुलता है जो कि पहले ऐसा नहीं था। एक नीचे पॉपअप की ओर दिखाई देता है जो कि देखने में भाई सही लगता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर करें बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो एवरी डे देखने को मिल सके। और रोम थीम्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपको मेरा जो टेलीग्राम का चैनल फॉलो करना होगा, क्योंकि सारे डाउनलोड लिंक आपको जो वीडियो प्रोवाइड करने से पहले ही जो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जिसकी वजह से आप हर एक चीज़ जो पहले ही डाउनलोड कर पाओगे और आप जो यूज कर पाओगे। वहीं पे आगे अगर आपका 3D जो टच है वो भी जो प्रॉपर काम करता है, अगर आप 3D टच यूज करना चाहते हो तो ये वर्किंग है, इनमें कोई भी इशू नहीं आता है। यहाँ पे अगर स्टार्ट के ऊपर ऑप्शन करते हैं तो वही सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और जो चाइना के एक्स्ट्रा लैंग्वेज वगैरह थे जो सपोर्ट है वो यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। वहीं पे बाय डिफॉल्ट सपोर्ट लैंग्वेज की बात करें तो आपको देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमम लैंग्वेज जो कि EU हमें जो हर बार प्रोवाइड करता है। तो लैंग्वेज से रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि EU की ओर से भी आपको लैंग्वेज का सपोर्ट है जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे सारे लैंग्वेज मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर थीम मैनेजर के अंदर आते हैं तो ये ऑलवेज ऑन वाले सपोर्ट के साथ आता है हमारा थीम मैनेजर, तो आपको ऑलवेज ऑन का नया ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप कई सारे जो अलग अलग जो ऑलवेज ऑन स्क्रीन जो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर आपको एक आइकन का नया ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ से आइकन पैक डाउनलोड कर सकते हो और बाकी लेआउट वही दिखाई देते हैं। और यहाँ पे एक और नया ऑप्शन ऑलवेज ऑन का दिखाई देता है जो कि कस्टम के अंदर है। कम्युनिटी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है जहाँ पे आप कम्युनिटी के अंदर इन कर सकते हो और बाकी जो भी चीजें यूज करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पे रोम मुझे काफी ज्यादा बेटर लगा है, काफी ज्यादा परफेक्ट है। अब बारी आती है कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फाइलों की जरूरत पड़ेगी जो कि ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया आपको टेलीग्राम पे। तो इसके लिए आपको जो टेलीग्राम विजिट करना होगा, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ बग चल रहा है जिससे उसमें कोई डाउनलोड इन फाइलों का आपको जो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे मुझे सब कुछ परफेक्ट वर्किंग लगा है, बस एक चीज की कमी लगी है वो है इसके वॉल्यूम स्लाइडर का, जो कि XAIMI EU की ओर से प्रॉब्लम है ना कि HN पोर्ट का। तो जितने भी XAIMI EU के अपडेट आए हैं इस बार सभी में आपको वॉल्यूम स्लाइडर जो मैनुअली काम नहीं करते हैं, तो आपको जो यहाँ पे हार्डवेयर के बटन का ही यूज करना होगा वॉल्यूम स्लाइडर को अप एंड डाउन करने के लिए। तो एक छोटा सा कमी मिला है जो कि ऑफिशियल EU की ओर से हमें देखने को मिल जाता है, बाकी यहाँ पे वीडियो कॉल वगैरह सब कुछ वर्किंग है। अब हम स्विच करते हैं TWRP की ओर और देखते हैं कैसे इसे फ्लैश करना है। तो यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन भी मिल जाता है डायरेक्ट रिकवरी में बूट करने के लिए। अब TWRP ओपन होते ही आपको वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप जाना है, जितने भी ऑप्शन है सभी को सिलेक्ट करना है, बस इंटरनल को आपको जो वाइप नहीं करना है। कंप्लीट वाइप हो जाने के बाद होम पे जाना है, इंस्टॉल के ऑप्शन पे जाना है, आपको अपने फाइलों को ब्राउज करना है जहां पे भी आपने जो डाउनलोड करके रखा है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है हमारा HN पोर्ट जो कि XAIMI EU Beryllium 20.4.30 है और फ्लैश कर देना है।
आफ्टर कंप्लीट फ्लैश बैक पे क्लिक करके आपको जो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन फिक्स का पैच दिया गया है इसे जो यूज करना है। कंप्लीट फ्लैश होते आपको बैक पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे जो इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है ताकि आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिले और बैटरी कंजप्शन जो काफ़ी लो हो और काफ़ी फास्ट चार्जिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सके। और ऐसे कंप्लीट फ्लैश होते आपको बैक पे टाइप करके एक्सटर्नल कर्नल V2 यूज करना है ताकि आपका जो रोम है वो लैग फ्री रह सके और आप बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे जो ले पाओ। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद वाइप कैच कर देना है और आपको जो रिबूट पे टैप करके 5 से 10 मिनट का वेट करना है ओनली ये जो बूट कर जाएगा, सेटअप करना है और फुल बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और ऑल डाउनलोड लिंक है जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है जहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और कोई भी क्यूरीज है वो आप जो आस्क कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।